जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्री अच्युतानंद महाराज जी की उन 600 साल पुरानी भविष्यवाणियों के बारे में जो आज तक कभी भी बाहर नहीं आई हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले एक महीने से उड़ीसा में रह रहे थे और उन भविष्यवाणियों को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे जो आज से ठीक 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी प्राचीन ओडिया भाषा में। बहुत लंबे समय तक हमने परिश्रम करा उन भविष्यवाणियों को हासिल करने में और श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से वो जानकारी हमें मिल चुकी है। आज की वीडियो में 100% आपको सत्य जानकारी दी जाएगी, क्योंकि 2024 से लेकर 2027 तक क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, किस प्रकार से मानव जाति का अंत होगा, किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। हमारा केवल एक यही मोटिव है कि आप सभी लोगों को सत्य चीज़ बताई जाए और आपको सच्चाई से रूबरू कराया जाए। इस वीडियो को बनाने का एक ही माध्यम है कि आपको उचित से उचित जानकारी दी जाए। डराने का हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि दोस्तों जितनी भविष्यवाणियां हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हैं, क्योंकि कलयुग अपने अंतिम चरण पर कुछ ही सालों में आने वाला है। इसलिए दोस्तों सभी लोगों से विनम्र पूर्वक निवेदन है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। तो अब बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने केवल 10 पॉइंट्स निकाले हैं, अभी आने वाली वीडियोज़ में आप सभी लोगों को और जानकारी दी जाएगी। श्री अच्युतानंद महाराज जी अपनी भविष्यवाणियों में बताते हैं कि 2023 के बाद हर घर में, चाहे वह वृद्ध पुरुष हो या फिर कोई जवान व्यक्ति, हर उस व्यक्ति को खून से संबंधित और मधुमेह समस्या उत्पन्न होगी, अर्थात ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। और उन जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वह है हरि का नाम। दोस्तों कहने का अर्थ यही है कि आने वाले समय में बहुत से लोगों को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी। इन चीज़ों से बचने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी का आप नाम ले सकते हैं। चाहे आप जगन्नाथ जी को पुकारिए, चाहे आप कृष्ण जी को पुकारिए, चाहे आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को पुकारिए, केवल इन्हीं के नाम के जाप से आपका कल्याण हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, 2023 से लेकर 28 के बीच में लोग कीड़े मकौड़ों की तरह मरना शुरू हो जाएंगे और इसके पीछे का कारण होगा अनेकों प्रकार की विपदाएँ, जैसे कि भूकंप, सुनामी, लड़ाई झगड़ा और अंत में मनुष्य भुखमरी के कारण एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देंगे, अर्थात मनुष्य नरभक्षी बन जाएंगे। कई कई जगहों पर देखा गया है, कई कई कंट्रीज़ में तो लोग एक दूसरे को मारकर खा भी रहे हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप न्यूज़ चैनल पर नज़र रख सकें, वहाँ पर सारी की सारी जानकारी किसी न किसी तरीके से गुप्त रूप से निकाली जा रही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। 2023 से लेकर 2028 के बीच में जब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ जाएगा, तब एक अलौकिक घटना घटेगी, अर्थात देश के कई मंदिरों से देवियों की भयानक गर्जना सुनाई देगी, जिसे भैरवी हुंकार के नाम से जाना जाएगा, और इसी प्रकार की हुंकार से कई पापियों का नाश होगा। दोस्तों फरवरी के महीने में 2023 में कई मंदिरों से रात्रि के ठीक 2:30 से 3 बजे या 3:30 के बीच में अनेकों प्रकार की हुंकारें सुनाई दी गई हैं। बहुत से लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में पूछा था, परंतु हमने उस समय जवाब नहीं दिया था। इसे भैरवी हुंकार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि देवी देवता उग्र रूप धारण करके हुंकार रहे हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ इस धरती पर आ चुकी हैं। इसी के साथ एक और आपको हिंट देते हैं, रात्रि के समय ये कुत्ते क्यों रोते हैं तकरीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, ये सब उन्हीं चीज़ों के कारण है, क्योंकि कुत्ते बिल्लियों को ये सारी चीज़ें रात्रि के समय दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओडिशा राज्य में माँ हिंगुला देवी, जो स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं और जिनके माध्यम से कलयुग के अंत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाएगी, वह स्वयं अष्ट चंडी देवियों के अंदर आती हैं। दोस्तों माँ हिंगुला देवी परिक्रमा करेंगी पृथ्वी की 7 बार, तब प्रलय आएगी। इस चीज़ को ध्यान से समझिए।
अब प्रश्न आता है कि यह अष्टचंडी देवियां कौन कौन हैं। सबसे पहले आपको व्याख्यान देंगे, उसके बाद समझाएंगे। जैसे जजपुर में माँ बिराजा, झंकड़ में माँ सरला, बांकी में माँ चर्चिका, पुरी में माँ बिमला, काकड़पुर में माँ मंगला, बाणापुर में माँ भगवती, संबलपुर में माँ समलाई और अंत में तालचेर गोपालपुर में माँ हिंगुला। दोस्तों, ये अष्टचंडियाँ वो हैं जिनमें माँ हिंगुला देवी का भी नाम आता है। आने वाले समय में माँ स्वयं परिक्रमा करेंगी पृथ्वी की, जिसकी वजह से अग्नि वर्षा होगी। उड़ीसा में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अपने आप खेतों में आग लग गई है, फसलें जलकर खाक हो गई हैं। लोग इसे हिंगुला देवी का प्रकोप मान रहे हैं। इन सब चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए जानकारी आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 2024 से लेकर 2027 के बीच में जब रेवती नक्षत्र चल रहा होगा, उस समय शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब एक ऐसा विचित्र मुहूर्त बनेगा जब कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में माता हिंगुला देवी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेंगी। तब पृथ्वी पर 7 बार अग्नि वर्षा होगी और यह सब 9 दिनों तक लगातार चलेगा। दोस्तों, ये जानकारी स्वयं श्री अच्युतानंद महाराज जी ने ताड़ के पत्तों पर आज से 600 साल पहले लिखी है। हिंगुला देवी एक ऐसी देवी हैं जो स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं। पिछले पॉइंट में आपको समझाया गया है, इस पॉइंट को हम ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। 2024 से लेकर 2027 के बीच में जब माँ अग्नि स्वरूपा हिंगुला देवी पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करेंगी, तब उसी समय सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सारे पानी के जलाशय सूख जाएंगे। साथ ही वर्षा होनी बंद हो जाएगी क्योंकि बादल धुआं बनकर हवा में विलीन हो जाएंगे। दोस्तों, आने वाले समय में ये सारी घटनाएं आप स्वयं होते हुए देखेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। कलयुग के अंत में एक ऐसा समय आएगा जब पुरुष 9 महीने तक संतान को अपने गर्भ में रखकर जन्म देंगे। दोस्तों, ये सबसे हैरान करने वाली चीज़ है। जब हम उड़ीसा में थे तब हमें ये न्यूज़ मिली थी कि आसपास के किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं। सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से समझते जाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग के अंत में गर्मी में पनपने वाले फल सर्दियों में उत्पन्न हुआ करेंगे और इसी के साथ कोयल का बोलने का समय भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उल्टी सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। एक समय आएगा जब दिन में पूरे आकाश में कोहरा मच जाएगा, अर्थात हर तरफ धुआं ही धुआं होगा और दिन के समय आकाश से तारे गिरने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में बताया था कि उल्का पिंड ऊपर से आकाश के माध्यम से गिरना शुरू हो जाएंगे, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों को दर्शाती हैं। परंतु ये सुबह के समय होगा और ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि कलयुग अपने अंत की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी पर रात्रि के समय पश्चिम दिशा से सूर्य उदय होगी और कुछ ही समय में उसके अनेकों टुकड़े हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा संकेत होगा कि कलयुग का अंत अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। ये 10 पॉइंट जो आप सभी लोगों को हमने बताए हैं, ये अच्युतानंद महाराज जी की स्वयं अपने हाथ से लिखी हुई भविष्यवाणियों के माध्यम से हमने निकाले हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें इतनी रहस्यमय हैं कि इन्हें मन के स्तर पर नहीं समझा जा सकता, परंतु हमने कोशिश की है आप सभी लोगों को समझाने की। एक पॉइंट हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं। दोस्तों, जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंचने वाला होगा, जब उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो शाकाहारी जानवर गायें भैंसे मांसाहार करना शुरू कर देगी। इसी से रिलेटेड एक जीता जागता उदाहरण देते हैं। उड़ीसा से कुछ किलोमीटर दूर रामचंडी एक मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने माता चंडी का आवाहन किया था, तो उसे रामचंडी के नाम से जाना जाता है। जब हम वहां पहुंचे थे तो वहां पर हमने एक गाय को भोजन करवाया था। वहां एक पंडित जी खड़े हुए थे, उन्होंने हमें बताया था कि ये गाय जो है मांस मच्छी भी खा जाती है।
आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये सब चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। उड़ीसा के कई क्षेत्रों में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं और होने लगी हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग न्यूज़ चैनल पर देखते रहिए किस प्रकार से देश आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं, किस प्रकार से अनेकों प्रकार के विस्फोट होने वाले हैं। भूकंप और सुनामी तो बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है। यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। आने वाली वीडियोस में आगे इसी से रिलेटेड जानकारियां दी जाएंगी, क्योंकि आगे और भी बहुत सी खतरनाक भविष्यवाणियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये तो केवल एक शुरुआत है दोस्तों। आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि उचित समय में जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा तो वीडियो डाली जाएगी। हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय में वीडियो डली है क्योंकि श्री हनुमान जी का आदेश नहीं था, इसलिए जब गुरु का आदेश आएगा तब आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।